क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 एंड फोर टाइम द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में कि दो नंबर आप फाइंड करिए, ऐसा ऐसा दो नंबर फाइंड करिए बताइए, जिसको हम क्या करें कि पहले नंबर को 3 गुना करके और दूसरे नंबर को ऐड करें तो आएगा 142। और क्या कहता है कि फोर टाइम्स द फर्स्ट, पहले नंबर को 4 टाइम्स करके उसमें सेकेंड नंबर को माइनस करें तो आ जाए कितना, 138 आना चाहिए। तो बताइए दोनों नंबर कौन कौन सा है उसको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम लेट करेंगे, फर्स्ट नंबर को मानेंगे एक्स और सेकेंड नंबर को मानेंगे बाय, लिखेंगे यहाँ पर लेट द फर्स्ट एंड लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर बी एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकेंड नंबर क्या है, बाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला पहले कि फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का 3 गुना जो कि एक्स है, तो 3x प्लस क्या कहता है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर को बाई माना है तो बाई इक्वल्स आ रहा है यहाँ पर कितना, 142। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का 4 टाइम्स मतलब 4x, सेकेंड को इसमें माइनस करना है जो कि है बाई, तो आता है 138, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स और बाई का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि हमने मान रखा है कि एक्स जो है फर्स्ट नंबर है और बाई जो है वो सेकेंड नंबर है, इसे ये मान के रखा है। तो इसको सॉल्व करके एक्स और बाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर है 3x प्लस बाई इक्वल्स 142 और इक्वेशन 2 जो है वो है 4x माइनस बाई इक्वल्स 138। ठीक है, तो ऐड करने बोला है तो प्लस कर देंगे, ये भी माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो प्लस माइनस का साइन जो होता है वो माइनस ही रहता है। तो 3x प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7x और ये माइनस बाई और प्लस बाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू 142 में 138 को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 280। तो इस तरीके से अगर x का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 7, ये कट जाएगा 40 टाइम्स में। तो इस तरीके से x का जो वैल्यू आता है वो आता है 40, मतलब फर्स्ट नंबर जो हमारा फाइंड हो गया वो है 40। तो अब इसको क्या करना है, x के वैल्यू को 40 को हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में पुट करके हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 है यहां पर 3x प्लस बाई इक्वल टू 142। तो 3x हो जाएगा यहां पर, x का वैल्यू 40 है तो x की जगह पे 40 लिखेंगे, प्लस बाई इक्वल टू 142। 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो बाई का वैल्यू इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 142 और ये 120 हो गया प्लस में, इधर आगे हो जाएगा माइनस में 120। तो बाई का वैल्यू 142 में 120 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना, 22 आ गया यहाँ पर बाई का वैल्यू। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमको पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, तो हमने x और y ही मान के रखा था दोनों नंबर को, तो दोनों नंबर भी हमको पता चल चुका है, एक 40 है और दूसरा 22 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स आर, फर्स्ट को क्या माना था, x माना था, तो x का वैल्यू 40 है यहाँ पर, एंड सेकेंड को बाई माना था और बाई का वैल्यू 22 है, 40 एंड 22। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आंसर इस तरीके से। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप इस मेथड के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।